सब्सक्राइब कीजिए एस टेक्निकल चैनल को एंड बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम टू एस टेक्निकल, मेरा नाम है सुमित। तो मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ बहुत सारा इंटरेस्टिंग न्यूज जो कि टेक्निकल रिलेटेड है। चलिए उसे देख लेते हैं। पहले जो न्यूज में दूंगा आपको माइक्रोमैक्स की तरफ से, वो शायद लॉन्च करने वाला है एक रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन। पहले ही मार्केट में अगर और भी कॉम्पिटिटर है, उसके बाद में ये माइक्रोमैक्स की तरफ से शायद होने वाला है। शायद देखने को मिलेगा बहुत सारे नया फीचर और प्राइस डिस्काउंट भी मिलेगा शायद माइक्रोमैक्स में, जैसे कि मोबाइल पे होता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर। नेक्स्ट न्यूज़ जो है एप्पल की तरफ से, एप्पल जो है शायद नया न्यू जो मैकबुक न्यू लेवल एंट्री लेवल जो मैकबुक है वो लॉन्च करने वाला है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि पहले भी न्यूज़ आया था, वो आज के डेट पर कंफर्म हो गया है कंपनी की तरफ से। और Q2 में शायद ये 2018 में आ जाएगा इसी ईयर में। तो नेक्स्ट न्यूज़ है एयरटेल ने बहुत एक खुशखबरी है जो कोलकाता वालों के लिए जो खुशखबरी है वो ऐसा है कि एयरटेल फाइनली लॉन्च कर दिया है एकदम 4G कनेक्टिविटी जो कोलकाता एरिया में अप्लाई किया जाएगा। और आप अगर कोलकाता में रहते हो तो ज़रूर इसका लाभ उठा सकते हो। और मैं भी कोलकाता का हूँ, चल के देखते हैं इसका स्पीड कैसा देता है या फिर और भी कुछ। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है हवाई ऑनर 7C जो फेस अनलॉक सिस्टम के साथ आता है, उसका डिस्प्ले रेशियो होगा 18:9, जो प्राइस प्रिसिजन फीचर भी उसका लीक हुआ है। तो वो डिस्प्ले जो है 13 मार्च को ये लॉन्च होगा मोबाइल, वहाँ पर 3GB रैम के साथ 32GB इंटरनल मेमोरी रहेगा और करीब 9,200 से 10,000 रुपये का इसका प्राइस रेंज होगा। और जब आप लेते हो 4GB वाला रैम 4GB वाला वेरिएंट, वहाँ पर मिलता है आपका जो प्राइस वो करीब 13,500 के बराबर है। आप अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। और 5.99 यानी 6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, 5.99 इंच जो HD+ डिस्प्ले मिलता है बहुत ही अच्छा है। और 2.5D गर्व कर्व ग्लास के साथ आता है। स्नैपड्रैगन जो है यहाँ पर थोड़ा कम वाला प्रोसेसर, जैसे कि 450 वाला स्नैपड्रैगन 450 बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है मिड रेंज फोन मोबाइल्स के लिए। और 13 MP और 2 MP जो सेंसर दिया गया है सेकेंडरी कैमरा के लिए तो बहुत अच्छा है। और फ्रंट कैमरा जो यहाँ पर दिया गया है 8 MP जो सेल्फी के लिए है। और यहाँ पर एपर्चर 2.0 ही एप्लीकेबल है। और ऑटोफोकस जो है रियर कैमरे पर सेकेंडरी जो रियर कैमरा है वहाँ पर 2.2 एपर्चर है। और यहाँ पर 32 और 64GB वाला वेरिएंट भी मिल जाता है। और माइक्रो एसडी के मदद से आप बहुत ही इंक्रीज कर पाओगे मेमोरी को 64GB तक। और 3000mAh का बैटरी भी मिल जाता है ऑनर 7C पर, तो चल के देखने को मिलेगा। नेक्स्ट न्यूज़ जो है MI TV की तरफ से 4A जो 33 इंच और 32 इंच जो फर्स्ट टाइम इंडिया में कल जो सेल्स होने वाला है, 32 इंच का जो सेल्स होगा वो 14,000 में आपको मिल जाएगा यानी 13,999 रुपीज़ में। और उसके बाद जो मिलेगा 43 इंच का जो स्मार्ट टीवी है वो 22,999 यानी 23,000 में आपको मिल जाएगा। तो ज़रूर आप अगर खरीदना चाहते हो 43 इंच का ही खरीदो। और यहाँ पर 1GB रैम के साथ 8GB इंटरनल मेमोरी भी मिलता है, दोनों HDMI पोर्ट, तीनों HDMI पोर्ट और 2 USB पोर्ट भी मिल जाता है। बहुत ही अच्छा टीवी है और काफ़ी हद तक नॉच डिस्प्ले मिल रहा है यहाँ पर, बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ आया है गूगल पिक्सल 2 XL की तरफ से, जो ये अवेलेबल हो चुका है अभी 50,000 के रेट पे यानी 49,999 में। और लेनोवो जो है K8 Plus और ये अवेलेबल हो चुका है 7,999 रुपये में। पिछले वाला जो डिस्काउंट था वहाँ पर मिलता था 500 रुपये ज़्यादा में, यहाँ पर थोड़ा 500 रुपये कम मिल रहा है। तो जल्दी से खरीद लो, और ये फ्लिपकार्ट मोबाइल सेल में आ चुका है और जल्दी से खरीद ले। 13 to 15 मार्च को ही होगा यानी आज
13 मार्च शुरू हो गया है। मैं आज जो न्यूज़ दे रहा हूँ, और जल्दी से न्यूज़ को पढ़ के आप जाइए खरीदें, तो बहुत सारे सेल्स भी हो रहे हैं वहाँ पर, देख सकते हैं। और चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है MI 4A के तरफ से। MI 4A कहता है कि 5999 रुपीज़ में मिल रहा है ये डिस्काउंट से लेकर। यहाँ पर जो दोनों वेरिएंट था, एक जैसे कि 5A जहाँ पर 3G वाला वेरिएंट जो सेल हो रहा था 6999 रुपीज़ पे, वो सेल होगा अभी भी 6999 रुपीज़ में। पर वो 5A वाला जो वेरिएंट है 2G वाला रैम वाला रेडमी का, वो 4999 रुपीज़ से 5999 रुपीज़ कर दिया गया है। शायद Xiaomi का कुछ बजट फ्रेंडली ऑफ़र नहीं पसंद था, और आगे चल के देखने को मिलता है शायद सेल्स भी गिर जाएगा। पर ये फ़ोन का सेल भी बहुत अच्छी तरीके से हुआ है, और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि कौन कौन सा मोबाइल अच्छी तरीके से सेल देता है, इंस्टेड ऑफ पैसा बढ़ाने के जगह पर ये कम कर दिया जाता तो बहुत ही अच्छा होता। तो चलिए, इसका डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं। और नेक्स्ट जो न्यूज़ है, V30 प्लस जो LG की तरफ से नया जो ब्रांडिंग फ़ोन है वो आया है, और जो सॉफ्टवेयर अपडेट है उसमें अवेलेबल हो चुका है। और सॉफ्टवेयर अपडेट अगर करना चाहते हो जल्दी से कर लीजिए। 128GB स्टोरेज के साथ ही आता है V30, और कैमरा का तो बात ही छोड़ दो, बहुत ही अच्छा कैमरा दिया गया है इसमें, तो जल्दी से अपडेट कर लो। और नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है Nokia 9 की तरफ से, जो जहाँ पर शायद हमको देखने को मिल सकता है कि फिंगरप्रिंट सपोर्ट जो कि डिस्प्ले में ही होगा, फिंगरप्रिंट सेंसर जो डिस्प्ले में ही होगा वो दिखने को मिल जाएगा, जैसे कि iPhone X में होता है। और यहाँ पर iPhone X में नहीं, Vivo के सेट में होता है, और iPhone X में जो नॉच है वो नॉच सपोर्ट वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर Android 8 के साथ ही आता है, यानी 8.0। और Nokia का और भी मॉडल लॉन्च होने वाला है, उसमें क्या मिलता है वो तो देखने की बात है। तो आज मैं वैसे कुछ वीडियो नहीं दे पाऊँगा, और ऐसे ही थोड़ा बहुत वीडियो मैं आपको दे दूँगा, जैसे कि जो न्यूज़ मैं आपको दे दिया है। मैं बहुत ही टायर्ड हूँ, और रात के करीब 12 बज चुके हैं अभी, तो मैं जाके सोने वाला हूँ अभी। तो इसको एडिट करके अपलोड करते करते 12:30 बज जाएगा। तो यहाँ पर चल के नेक्स्ट डे जो न्यूज़ निकलेगा तब मैं आपको लेटेस्ट अपडेट और भी अपडेट जो न्यूज़ है वो दे दूँगा। आज के लिए यहीं पर ख़त्म करता हूँ न्यूज़। शायद आपको अच्छा लगा होगा, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं रोज़ाना इस तरीके का वीडियोज़ लाता रहता हूँ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड गुड नाइट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।